नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर को जो बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड और कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन किस किस प्रकार से न्यू झांसी में आता है और अदर यूनिवर्सिटी में आता है। हो सकता है आपसे पूछ दे बाइपोलर ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, अर्थात एम्पलीफिकेशन प्रवर्धन को पूछा जा सकता है। हम पढ़ेंगे आज एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफायर और कोई ट्रांजिस्टर का हम उपयोग किस प्रकार से एक एम्पलीफायर के भांति किया जा सकता है, बहुत ही आपको सिंपल मेथड से बताएंगे। तो हम चल रहे एम्पलीफायर, उसका नाम है एम्पलीफायर, किसी चीज को बढ़ा देना। क्या किसी चीज को बढ़ा देना? अगर हम कैसे एम्पलीफायर होगा, कोई वस्तु होगी, मतलब कोई डिवाइस होगी, तो हम कह सकते हैं वह डिवाइस जो क्या कोई सिग्नल वैद्युत सिग्नल होगा, उस वैद्युत सिग्नल के वोल्टेज या करंट या पावर के जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीजिंग अर्थात बढ़ा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवर्धक बोलते हैं। और ये बढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। क्या बढ़ाने की क्रिया को? वोल्टेज, करंट और पावर। तो हम कोई भी वैद्युत सिग्नल होगा, उस वैद्युत सिग्नल के वोल्टेज, धारा, शक्ति, शक्ति को हम पावर कहें या सामर्थ्य कहें, ठीक। तो किसी वैद्युत सिग्नल के वोल्टेज, धारा अथवा शक्ति, पावर या इसी सामर्थ्य भी कह सकते हैं कि परमाणु को बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रवर्धन, एम्पलीफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रवर्धन, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। और जो इस वोल्टेज, धारा, पावर अर्थात हम शक्ति के परिमाण को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर, प्रवर्धक। किसी भी हम ट्रांजिस्टर का उपयोग एक एम्पलीफायर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, वो भी रीजन बताएंगे। जो ट्रांजिस्टर होता है, हम ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से जान के आए हैं। तो ट्रांजिस्टर होता है, जैसे हमने कोई ट्रांजिस्टर ले लिया, किसी मॉड वाला कॉमन बेस, हमने मान लिया कॉमन बेस ले लिया, इस प्रकार से कॉमन बेस का हमने चित्र बना दिया, ठीक। जो कॉमन बेस में जो निवेशी पर्पस होता, क्या निवेशी पर्पस, अर्थात हम कहें फॉरवर्ड बायस में देखा जाए, क्या फॉरवर्ड बायस में, अग्र अभिनत में, किसमें, अग्र अभिनत में फॉरवर्ड बायस, और जो ये परपथ होता है इसे बोलते हैं निर्गत परपथ, या क्या बैकवर्ड या रिवर्स, बैकवर्ड या इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। पश्चावनति, किसी भी ट्रांजिस्टर के जो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस का मान होता है, कैसा, क्या जो रेजिस्टेंस का मान होता है बहुत कम होता है, किसका मान, इस फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस का मान होता है आर एन, इनपुट रेजिस्टेंस, बहुत कम होता, क्या होता है, कम होता है। और इस रिवर्स बायस में जो निर्गत प्रतिरोध का मान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। इस कारण यदि हम इस ट्रांजिस्टर में जो धारा दे, क्या करंट है, उसके मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो जो निर्गत परपथ में धारा प्राप्त होती है उसके मान बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर किसकी भांति प्रयोग करा, एम्पलीफायर की भांति। यदि हम धारा के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो क्या धारा के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर किसकी भांति प्रयोग, हम ट्रांजिस्टर को किसकी भांति प्रयोग करें, एम्पलीफायर की भांति। क्या? तो कोई भी एक ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यह एक निर्बल अर्थात हम वीक सिग्नल को कैसे बदल देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, ठीक। तो हम ने ये जाना कि कोई ट्रांजिस्टर है, उसका प्रयोग एम्पलीफायर की भांति किया जा सकता है। हमने ये भी तो जाना था ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, अभी हमने इधर बताया कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन सा, बेस, इमीटर, कलेक्टर। तो हम जानते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल, तीन टर्मिनल, एक होता है इमीटर, बेस,
कलेक्टर, तो इमीटर को बोलते हैं उत्सर्जक, बेस को बोलते हैं आधार, कलेक्टर को बोलते हैं संग्राही, कलेक्टर संग्राही। तो एक ट्रांजिस्टर के तीन सिरे होते हैं, सिरे का वही टर्मिनल कहें या हम क्या कहें सिरे कहें, बात वही है। ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं? तीन, उत्सर्जक आधार संग्राही। अब कोई भी ट्रांजिस्टर है, अगर उसको हमें एम्पलीफायर ग्रुप में प्रयोग करना है, मतलब उस ट्रांजिस्टर का प्रयोग परपथ में करना है, तो किसी भी परपथ में ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो चार टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो दो निवेशी परपथों के लिए और दो टर्मिनल होंगे वो इनपुट सर्किट के लिए, और जो दो टर्मिनल होंगे वो आउटपुट सर्किट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के पास हैं तो तीन टर्मिनल, लेकिन हम जब इस ट्रांजिस्टर का उपयोग किसी विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में जब एम्पलीफायर की भांति प्रयोग करेंगे तो चार टर्मिनल की आवश्यकता होगी, लेकिन है तीन। तो क्या करेंगे, एक बेचारे को क्या कर देंगे, बीच में दोनों के बीच में क्या रख देंगे, कॉमन, जो दोनों में जो इधर भी आएगा उधर भी आएगा। जो दीवार है आपकी, कोई भी दीवार हो, आपके एक बगल में कमरा है, आपके में कमरा, वो दीवार आपके कमरे का भी काम कर रही है, दूसरे कमरे का भी काम कर रही है। इसी प्रकार इस तीन जो टर्मिनल है किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देंगे तो दो निवेशी परपथ के लिए हो जाएंगे, दो निर्गत परपथ के लिए। जैसे हम एक चित्र बना के आपको, एक कोई हम कॉमन बेस का बना रहे हैं, जैसे हम इस ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस बना दिया, ये हमने ऐसे इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, तो हमारा ये बन गया सर्किट, इसे जमीन से जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा निर्गत परपथ, ये कौन सा परपथ है निर्गत, ये कौन सा निवेशी। तो इस निवेशी परपथ में कितने सिरे, कितने टर्मिनल होंगे, दो, एक उत्सर्जक एक आधार। इस क्योंकि निवेश जी दोनों है, उत्सर्जक के लिए ये दोनों उत्सर्जक, निर्गत परपथ के लिए कौन सा संग्राही और आधार। तो क्या हमने इस ट्रांजिस्टर में किसको कॉमन रखा, बेस को। इस प्रकार हमने क्या बताया, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, अगर इसे किसी परपथ में प्रयोग करना है तो किसी एक टर्मिनल को क्या कर देते हैं, ओभनिष्ठ कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफाई ग्रुप में प्रयोग करना तो उसे हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन, किस किस प्रकार से, भांति, ओभनिष्ठ, ओभनिष्ठ हम कह सकते हैं, आधार, ओभनिष्ठ आधार विधान बोले तो कॉमन बेस मूल इन कॉमन बेस मूल, शॉर्टकट में क्या, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीवी, क्या बोलते हैं, सीवी मूल, C4 कॉमन, B4 बेस। जो एक प्रकार से हम कॉमन कॉमन बेस की भांति प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन बेस का मतलब जो ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है, क्या आधार को क्या रखेंगे, ओभनिष्ठ रखेंगे, किनके बीच, निवेशी परपथ तथा निर्गत परपथ के बीच। ठीक, निवेशी में क्या उत्सर्जक होगा और निर्गत में क्या होगा, संग्राही होगा। दोनों टर्मिनल के बीच इस बेस टर्मिनल को कॉमन रखते हैं। जो दूसरा हम किसकी भांति यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ओभनिष्ठ। अब उत्सर्जक विधा में तो क्या कहेंगे, इन कॉमन इमीटर मूड, तो इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीई मूड, क्या, सीई मूड। सी का मतलब कॉमन, ई का मतलब मीटर, मोड मीन्स विधा। और तीसरी किस्म के प्रयोग कर सकते हैं, इन कॉमन कलेक्टर मूड, तो क्या इसे हम सीसी मूड, क्या मूड, सीसी मूड, C4 कॉमन और C4 कलेक्टर। तो किसी भी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, क्या, सीबी मोड में, सीई मोड में, सीसी मोड में, क्या, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमने जाना एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर आप जान ही गए हैं, जो किसी सिग्नल के वोल्टेज करंट
पावर के परिणाम को बढ़ा देता है वो है क्या कहलाता है, एम्पलीफायर कहलाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।